तो भाई आज की वीडियो में हम देखेंगे जारो शिफ्ट कैसे करना है, क्योंकि अगर आप लोग को जारो मास्टर बनना है तो पहले आप लोग को जारो बेसिकली सीखना होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जारो शिफ्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए आप लोग को पहले जो मेन होता है जो होते हैं सेंसिटिविटी, तो भी आपको जो सेंसिटिविटी दिखा रहा हूँ इसको आपको अप्लाई करना है अपने खुद के सेंसिटिविटी ऊपर। इसको पहला स्क्रीनशॉट मार लो, क्योंकि जो रियल सेंसिटिविटी थे ये सेंसिटिविटी थे, इससे आपको जारो शिफ्ट करने के लिए आसानी होगी। तो ये जो सेंसिटिविटी ना वो बहुत सारी जो अच्छे अच्छे प्लेयर है ना उनकी भी सेंसिटिविटी है ये। तो आप लोग 300 रख के आप लोग खेल सकते हो, अगर आप लोग को 300 ज़्यादा लगते तो आप लोग 250 भी रख के खेल सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा 300 रख के खेलो, क्योंकि अगर आप लोग बाद में भी खेलोगे तो ये बहुत अच्छी सेंसिटिविटी होते हैं। तो इस सेंसिटिविटी को पहले आप लोग स्क्रीनशॉट मारो और आप लोग अप्लाई करो। तो आप देखेंगे जारो की कुछ सेटिंग, तो भाई सेटिंग देख लो। तो भाई इधर सेटिंग में आने के बाद आपको जारो के रिलेटेड तीन ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से पहला होगा ऑफ, जो कि ऑफ ही ऑफ होगा। दूसरा होगा स्कोप ऑन, मतलब आप लोग जब भी स्कोप ऑन करोगे तभी आपका जारो यूज़ होगा, अगर आप लोग स्कोप बंद करेंगे तो आपका जारो यूज़ नहीं होगा। और तीसरा होता है ऑलवेज ऑन, ऑलवेज ऑन से आप लोग का स्कोप ऑन करो ऑफ करो दोनों में भी वर्क होगा, मतलब ऑलवेज ऑन। इसमें से अगर आपको जारो सीखना है तो आप लोग को ऑलवेज ऑन रखना मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप लोग स्कोप ऑन करोगे अगर आपका स्प्रे अच्छा जाएगा तो आप लोग बाद में जाके ऑलवेज ऑन करोगे, जिसमें से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि पहले इस पर प्रैक्टिस करोगे फिर उस पर। तो मैं एक सजेशन दूंगा कि आप लोग ऑलवेज ऑन पे रखो शिफ्ट करते वक्त, जिससे आपको आगे जाके ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो भाई जैसे आप लोग जायरोस्कोप ऑन करोगे तो आपका गेम हिलेगा, क्योंकि अगर आप लोग फोन हिलाओगे तो आपको पूरा गेम हिल जाएगा। तो इसको स्टेबल रखने के लिए आप लोग क्या करो, आपके हाथ के नीचे अपना पिलो रख दो, जिससे आपका पूरा गेम स्टेबल जाएगा। इसके वजह से आप लोग का एम भी स्टेबल रहेगा, तो आपको एम करने के लिए आसानी होगी। तो आप देखेंगे सेकंड पॉइंट, क्योंकि जब भी आप लोग को जायरो शिफ्ट करना हो या जायरो मास्टर, आपको प्रैक्टिस तो जरूर लगेगी। तो मैं आपको 5 ड्रिल्स बताऊंगा, जिससे आपका एम इंप्रूव हो जाएगा, आपका जिगल इंप्रूव हो जाएगा, आपका ओवरऑल गेम प्ले इंप्रूव हो जाएगा और आपका जायरो भी इंप्रूव हो जाएगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी जायरो शिफ्ट करने के लिए या फिर जायरो मास्टर करने के लिए। तो जायरो मास्टर का तो जो एडवांस ड्रिल्स होते हैं वो तो मैं एक वीक के बाद बताऊंगा, तो बेसिकली पहले ये ड्रिल्स प्रैक्टिस कर लो जिससे आपका गेम इंप्रूव हो जाए। तो पहले आ जाओ, जिससे आने के बाद जो पहले ड्रिल्स है इधर आ जाओ। तो भाई इधर इन डोमेन के पास आ जाओ, इन डोमेन के पास आने के बाद आपको जायरो से एम शिफ्ट करना है। देखो जैसे मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, तो ऐसे करके आपको जायरो से शिफ्ट करना है, जिससे आप लोग जायरो से शिफ्ट कर लोगे मतलब एक दो मिनट के बाद आपको थोड़ा अंदाज आ जाएगा। अरे भाई मैं बता रहा हूँ आपको, जो थम होता है ना उसको निकाल दो, क्योंकि अगर आप लोग थम से ट्राई करोगे तो जायरोस्कोप कभी नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए आपने जो थम होता है उसको स्क्रीन से हटा लो, जो 5 ड्रिल्स है उसमें भी, और आपको सिर्फ जो अपना थम होता है ना उसको सिर्फ कभी इस्तेमाल करना है। जैसे आप लोग इसे घूम रहे हो, मतलब अपना जो 360 होता है उसको घुमाना है, तभी आपको अपना जो थम होता है उसको इस्तेमाल करो, ना कि आप लोगों को एम शिफ्ट होना, एम शिफ्ट करना या फिर एम लगाना या फिर आपको एम ट्रेसी करना। तो भाई इन सब में ना आपको सिर्फ जायरो से करना है, क्योंकि अगर आप लोग जायरो सीख रहे हो तो आपको सिर्फ जायरो से करना है, अगर आप लोग जायरो प्लेयर हो तो, अगर नॉन जायरो होते तो आप लोग को सिर्फ थम से ट्राई करना है, क्योंकि अगर आप लोग जायरो पे शिफ्ट हो रहे हो तो आपको सिर्फ जायरो से करना है ना कि थम से। तो भाई अपने स्क्रीन से अपने को तुमको हटा देना है। तो भाई फर्स्ट ड्रिल तो है होगी, तो सेकंड ड्रिल में आप लोगों का क्या करना है, इधर ही रह के आपने जो डमीज होते हैं इनमें से जो थर्ड लेवल जो हेलमेट और वेस्टेज पहना है ना इसके पास आ जाओ। इसके पास आने के बाद आपको सिर्फ जिगल देना है, एम रख के आपको अभी फायर नहीं करना है, आपको एम रख के जिगल देना है। देखो इसके बाद जैसे आप लोग को एक मिनट हो जाएगा आपको अंदाजा लग जाएगा भाई जिगल देते हुए इसको कैसे अपने एम रखना है। उसके बाद आपको फायर देते हुए करना है। देखो अगर आप लोगों ने ऐसा कर दिया तो भाई ये तो 5 मिनट में आप लोग इजीली आप लोग सीख जाओगे। तो भाई इधर भी आपको स्क्रीन से अपने थंब को हटा देना है, सिर्फ जायरो से करना है, जैसे कि आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये होगा अपना सेकंड ड्रिल, तो आप लगेंगे थर्ड ड्रिल। तो भाई देखो, तो भाई इधर आ जाओ, इधर आने के बाद अपने स्टैंडर्ड ट्रेनिंग को ऑन करो। स्टैंडर्ड ट्रेनिंग को ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, एडवांस में जाके आपको जो हेल्थ होते ना उसको 172 कर दो, उसके आसपास भी करोगे तो चलेगा, 170 कर दो कोई बात नहीं। 170 करने के बाद आपको जो हेल्थ मूवमेंट स्पीड होती है ना उसके बराबर कर दो, जैसे कि नीचे आप लोगों को दिख रहा है। इससे करने के बाद आपको ऑन करो, मतलब स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करने के बाद आपको देखो इससे इधर खड़ा रहो, इधर खड़ा रहने के बाद इसको शिफ्ट करो, इसे जो इसके हेड पे है ना उसको रखने की ट्राई करो। आपको जल्दी नहीं होगा यार, आपको आसानी से नहीं होगा, लेकिन आपको ट्राई हार्ड देना है। जैसे आप लोग ट्राई हार्ड देते जाओगे तो आपको आसानी से वो इससे आसानी से आप लोग सीखते जाओगे। तो भाई इसको देखो, ये आसान तो नहीं है, डिफिकल्ट है थोड़ा, लेकिन इससे आपका पूरा अच्छी तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है, ये भी 5 मिनट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। जो ये थर्ड ड्रिल हो गई तो आप लोग देखेंगे 5 ड्रिल्स नहीं, फोर्थ ड्रिल्स। अभी जो तीनों ड्रिल्स देखे वो तो हो गई हिप फायर के, लेकिन आप देखेंगे जो फोर्थ और 5 ड्रिल्स हो गए वो होंगे अपने बेसिकली स्कोप पे। तो भाई स्कोप का आपको सीखना है, तो भाई इधर आके बाद जो टारगेट दिख रहे ना, इधर जो टारगेट दिख रहे इसमें आपको क्या करना है, आपको स्कोप हर एक स्कोप लेना है, मतलब जो आप लोग स्कोप यूज़ करते हो 2x को छोड़ के, क्योंकि भाई TX तो कोई नहीं यूज़ करता। तो भाई सब स्कोप को लेना है। इधर लेने के बाद आपको जो ये टारगेट दिख रहे हैं इनमें हेड में रख के आप लोगों को ऐसे शिफ्ट करना है।
ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन भाई ये बहुत बहुत अच्छा है। तो भाई इसमें आपको एम जो अपना जो हेड होता है ना, मतलब जो अपने हेड ट्रेसिंग हो गए या फिर अपना जो स्कोप ओपनिंग का जो टाइमिंग होता है वो भी इंक्रीज होगा और आपका जो स्कोप खुलता है ना वो सीधा हेड पे खुलेगा। तो भाई देखो ऐसा करके खोलो, पहले आप लोग को सिर्फ खोलना है ऐसा, इधर खोलो फिर इधर खोलो फिर इधर खोलो। इसके बाद आपको जैसे आप लोग उधर बिना स्कोप के शिफ्ट किया ना, इधर आपको स्कोप खोल के शिफ्ट करना है। तो देखो इसके बाद आपको फायर देते हुए करना है। देखो ये तो आप लोग दो दो मिनट कर सकते हो। इसके बाद आप लोग क्या करना है, जो फायर ड्रिल से तो इधर आ गो, इधर आने के बाद आपको क्या करना है, जो टारगेट दिख रहे ना इसको गिराओ। तो पहले आपको क्या करना है, एक गिराना है, एक के बाद एक गिराना है, एक के बाद एक गिराना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फायर देना है नहीं, आपको सिर्फ एम रखना है, इस टारगेट से इस टारगेट, इस टारगेट से इस टारगेट। इसके बाद आपको क्या करना है, फायर देते हुए इसको मारना है, मतलब पूरा एक लोड में होता है ना, एक लोड में आपको गिराने की ट्राई करना है। एक लोड में तो पहली बार नहीं गिरेगा, 10 बार नहीं गिरेगा, एक दिन में नहीं गिरेगा। तो सिर्फ आपको ट्राई करना है, 5 मिनट तो है यार, 5 मिनट सिर्फ मांग रहा हूँ, तो 5 मिनट तक आपको सिर्फ ट्राई करना है। तो देखो जैसे एक दो दिन हो जाएंगे तो आप लोग इजिली ये सब कुछ गिरा दोगे। इसके आप लोग को मैं गिराता हुआ दिख रहा हूँ, तो देखो तो ऐसे करके आप लोग जो 5 ड्रिल्स होता ना इसको आप लोगों ने कर दिया ना भाई, मैं सच में बता रहा हूँ, एक वीक के अंदर ही आप लोग ना पूरा ये बेसिक लेवल आप लोग सीख जाओगे, आप लोग अच्छी तरह से जैरो पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन आप लोग जैरो मास्टर नहीं कर पाओगे, मतलब जैरो मास्टर नहीं हो जाओगे। तो आपको जैरो मास्टर की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अगर आपको कोई भी ऑल टॉपिक पे, मतलब कोई भी टॉपिक होगा यार उस पे अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, आपका भाई आपके लिए वीडियो ज़रूर बनेगा। और भाई अपना 1000 का सब्सक्राइबर भाई जल्दी कंप्लीट हो रहा है भाई, आपका प्यार भी बहुत मिल रहा है लेकिन सब्सक्राइब थोड़ा कम मिल रहा है। तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और आप लोग बताओ मेरे को एम ऑफ कर दिए ऑन, तो भाई जाके वो भी देख लो क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जाके वो वीडियो देखो, मैं आपसे वही मिलूंगा। सो बाय, लव यू एंड टेक केयर गाइज़।